अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे वालों ने उनका भी काम हो जाता है, आपका भी काम हो जाता है कि एक एक हिस्सा भी रख सकते हैं 1000-1200 रुपये के अंदर। लेकिन अभी देखा कि बेचारे मदरसे वाले वो आपका भी ख्याल करते हैं, बड़ी मेहनतों से काम लेते हैं, इन इलाकों में पैसे जमा करते हैं और दूसरे वो इलाके जहां पर जानवर सस्ते मिलते हैं वहां जाकर वो कुर्बानी करते हैं। लेकिन लोग उनके खिलाफ भी प्रोपेगेंडे कर रहे हैं कि इतने सस्ते जानवर कहां मिलेंगे और करते कि नहीं करते, बाकायदा क्लिप बना बना के। फिर अल्लाह के बंदो, जैसे मैं एक विभाग में हूं, मैं जिम्मेदारी के साथ अल्लाह के घर में बैठकर कह रहा हूं, तीन उस्ताद जाते हैं बंगाल के इलाके में, वहां जानवर खरीदते हैं, वो उस्ताद हैं जो जानवरों के दांतों से वाकिफ है, बाकायदा उनको ट्रेनिंग दी गई है, वो जानवरों के दांत देखते हैं, उस कीमत में वहां जानवर मिलते हैं। यहाँ के जिम्मेदार जो है उनसे रबते में रहते हैं, दो जिम्मेदार उस्ताद, एक जिम्मेदार और एक मौलाना हमारे सदर, ये दोनों मिलकर बाकायदा जानवरों को देखकर भी आए। अगर अलग तब करेंगे नहीं, मदरसे वालों को चमड़े का फायदा होता है, हमारे यहां नहीं बिक रहे, उस इलाके में है, मदरसे का जो नफा होता है वो खास वो चमड़ा हुआ करता है। तो ऐसी क्लिपें जो चल रही है जो उलमा के खिलाफ मदारिस के खिलाफ प्रोपेगेंडे कर रहे हैं, आप उनकी बातों में बिल्कुल ना आइए। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बिल्कुल एतमाद और भरोसा, मैं जिस मदरसे से हूं, मदरसे इस्लामिया वक्फ सूफी बाग, या उसकी तरफ से बात कर रहा हूं, वहां बिल्कुल आप आंख बंद करके एतबार और एतमाद करके दे सकते हैं। और इस किस्म के लोगों की क्लिपों के ऊपर आप तवज्जो न दें। तो आप अगर इतने एक हिस्सा रखने के लिए पूरा जानवर जमा करने की ताकत नहीं है, तो मदारिस के अंदर जहां इंतजाम हो रहा है, आपके शहर का मशहूर काबिल एतबार इदारा है, आप उसको देख कर भी अपनी कुर्बानी का मसला हल करवा सकते हैं।